हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाड़ी के एग्जॉस्ट या फिर साइलेंसर से वाइट स्मोक, जिसे हम लोग सफेद धुआं भी कहते हैं, वो क्यों और कब निकलता है, गाड़ी के इंजन के कौन से पार्ट्स के काम नहीं करने की वजह से या फिर खराब हो जाने की वजह से गाड़ी के एग्जॉस्ट से वाइट स्मोक निकलता है, आप किस तरह से अपने गाड़ी से निकल रहे वाइट स्मोक को ठीक कर सकते हो, और अगर आप अपने गाड़ी से निकल रहे सफ़ेद धुएं को ठीक नहीं करते हो तो आगे जाके आपके इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इन सारे बातों के ऊपर में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं में अगर किसी भी तरह का चेंजेस आता है, उसका कलर किसी भी तरह से चेंज होता है, नॉर्मली ये चेंज होकर वाइट हो जाता है, तो अगर आपके गाड़ी के साइलेंसर से सफ़ेद धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कि आपके गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब चाहे प्रॉब्लम बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन एज अ ओनर या फिर एज अ ड्राइवर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से ये जो सफ़ेद धुआं निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि वाइट स्मोक या फिर सफ़ेद धुआं होता क्या है। तो वाइट स्मोक गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला है कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब ये जो वाइट स्मोक का जो प्रॉब्लम है, ये कई बार बड़ा होता है और कई बार छोटा होता है, डिपेंड करता है कि जो आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से जो धुआं निकल रहा है उसका थिकनेस कितना ज़्यादा है या कम है। अब अगर आपका जो वेपर है, यानी कि जो धुआं निकल रहा सफ़ेद धुआं, उसका थिकनेस अगर कम है, वो पतला है, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है और ये कुछ समय बाद डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो धुआं निकल रहा है उसका थिकनेस ज़्यादा है, मोटा सफ़ेद धुआं निकल रहा है, तो ये बड़ा इशू होता है, ये चिंता करने वाली बात होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, होता ये है कि जो मोटा धुआं निकलता है वो तब निकलता है जब अगर आपका इंजन का कूलेंट खराब हो, तो इंजन के कूलेंट के खराब होने की वजह से ही थिक स्मोक वाइट स्मोक निकलता है, मोटा सफ़ेद धुआं निकलता है। अब अगर आपका इंजन का कूलेंट खराब है तो ये आगे चल के आपका जो सिलेंडर हेड है उसको डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो हेड गैस्केट है उसको भी जला सकता है अगर वाइट स्मोक जो है वो थिक क्वांटिटी में निकल रहा है। तीसरी तरफ बात क्या है कि जो इंजन ब्लॉक है उसमें भी क्रैक आ सकता है। अब एज अ ड्राइवर या एज अ ओनर, अगर आपका गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से सफ़ेद धुआं, मोटा सफ़ेद धुआं निकल रहा है, तो आपको जल्दी ही जल्दी आप इसे ठीक करा लो, क्योंकि अगर सिलेंडर हेड या हेड गैस्केट या फिर इंजन ब्लॉक ये खराब हो जाए तो आपको बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे इन्हें ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, क्या बात है, अगर कूलेंट में लीक हो, चाहे छोटा भी लीक हो, तो ये आगे जाके आपका जो व्हीकल है उसमें बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है। तो एज अ ओनर या फिर एज अ ड्राइवर अगर लीक कर रहा है तो आप उसे भी जल्दी से ठीक करा लो। अब फ्रेंड्स, आप हो चाहे ड्राइवर या हो गाड़ी के ओनर, और आप ये देख रहे हो कि आपके कार के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं लगातार निकल रहा है, तो इस तरह से आपका कार आपको ये बताने की कोशिश करता है कि आपके कार में प्रॉब्लम है। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम है, अब हम उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ब्रोकन फ्यूल पंपिंग इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आपका गाड़ी डीजल इंजन कार है, यानी कि जो डीजल से चलता है, और आप जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो उससे सफ़ेद धुआं, बहुत सारा सफ़ेद धुआं निकलते हुए आपको दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्यूल पंपिंग इंजेक्शन टाइमिंग है वो काम करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्यूल इंजेक्टर है, जो कि आपको कंबशन चैम्बर के अंदर में जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, तो टाइमली वो उसे इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो फ्यूल इंजेक्टर टाइमिंग है वो ख़राब हो गया। अब फ्रेंड, जहां तक मेरी बात रही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, अगर आप चेक कर सकते हो तो आप चेक कर लो कि ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, फ्यूल का इंजेक्शन सही से नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक उसे चेंज करने की बात है, तो अगर आप इसमें माहिर हो, ये काम आप पहले कर चुके हो, तो ठीक है, आप खुद से इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल लेवल का ज़रूरत होता है। सही से आपको इसका टाइमिंग सेट करना होता है ताकि फ्यूल सही से इंजेक्ट हो सके। लेकिन आप नए ड्राइवर हो या नए ओनर हो, तो इसके बढ़िया यही होगा कि आप इसे एक अच्छे मैकेनिक के पास ले जाओ और अपना जो फ्यूल इंजेक्शन का जो टाइमिंग सही नहीं हो रहा उसे बढ़िया से सेट करा लो, ताकि आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से वाइट धुआं नहीं निकले। अगला पॉइंट, जो कि आपकी कार, जब आपके कार के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलता है, तो ये कहना चाहती है कि हो सकता है कि कूलेंट में लीकेज हो, ठीक है। अब
यहाँ पे ये पॉइंट है कि आप कैसे पता करें कि कूलेंट में लीक है कि नहीं है, वो ये है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो उस टाइम तो सफ़ेद धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जब उसे थोड़ा दूर आप आगे लेके जाते हो तो जब कार रनिंग में होता है उस टाइम पे गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के कूलेंट में लीकेज है। अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट ये है कि अगर गाड़ी के कूलेंट में लीकेज हो तो सफ़ेद धुआं इससे निकलता है क्योंकि जो कूलेंट है वो सम अमाउंट ऑफ जो हमारा फ्यूल है जो डीजल है उसके साथ मिक्स हो जाता है और क्या होता है वो उसके साथ जलने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलता है। दूसरी बात ये भी है कि जब आपके गाड़ी से अगर कूलेंट में लीकेज हो तो होता क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ जो हमारा कूलेंट है वो नीचे नीचे बहने लगता है, जिससे क्या होता है कूलेंट की कमी हो जाती है कार में। अब उससे क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी है वो गर्म हो जाता है और वो एग्जॉस्ट से हमारा वाइट स्मोक निकलने लगता है। इसलिए एज अ ड्राइवर या एज अ ओनर आपको ये समझना होगा कि गाड़ी जो है गर्म हो रहा है इंजन कि नहीं हो रहा है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके गाड़ी के कूलेंट में हमारा जो कार के कूलेंट में अगर हमारा कूलेंट जो है कूलेंट ऑयल है वो अगर कम हो जाए तो आप ऐसे कंडीशन में गाड़ी को रन नहीं करें, उसे ठीक करा ले, क्योंकि ये जो कूलेंट का प्रॉब्लम है जो कूलेंट के लीकेज का प्रॉब्लम है वो आगे जाके और भी बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा कर सकता है। एक और पॉइंट जो कि कार अपने एग्जॉस्ट से निकल रहे सफ़ेद धुएं के थ्रू आपसे कहना चाहती है वो ये है कि गाड़ी के और भी पार्ट्स होते हैं जिनमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब फ्रेंड्स अगर रनिंग के टाइम में गाड़ी के एग्जॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद धुआं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के बहुत ही मेन कॉम्पोनेंट्स उसमें खराबी आ गई है जिन्हें रिपेयर करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और यह कॉम्प्लिकेटेड इशू भी होता है। जैसे कि गाड़ी का जो सिलेंडर हेड है उसमें खराबी आ गया, उसमें किसी तरह का क्रैक आ गया हो, या फिर जो हमारा हेड गैस्केट है या फिर जो हमारा फ्यूल फिल्टर है वो डैमेज हो गया है, इंजन में क्लॉग्ड हो गया या फिर वो क्रैक कर गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंपोनेंट आपके ख़राब हो जाए तो इससे क्या होता है कि आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से एक तो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद धुआं निकलेगा, दूसरी बात इन्हें जो रिपेयर करना है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलना स्टार्ट हुआ हो तो आप जल्दी से उसे रिपेयर करा लो, ठीक करा लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो बहुत ही क्रिटिकल कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जिन्हें रिपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा आपको कॉस्ट खर्चा करना पड़ता है, बहुत ही आपका कीमती पैसा वो खर्च हो जाता है। तो आप देरी बिल्कुल नहीं करें। अब इस टॉपिक के मेन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आपका अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है इंटेक गैस्केट को इंस्पेक्ट करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपके इंटेक गैस्केट है उसे आप इंस्पेक्ट करोगे तो व्हीकल के अंदर में, ठीक है, जो इंटेक मैनिफोल्ड होता है उसके हेड में इंटेक गैस्केट लगा हुआ होता है। अब ये जो इंटेक गैस्केट होता है वो क्या करता है, एयर फ्यूल का जो कंबस्ट मिक्सचर है उसे कूलेंट के साथ इंटेक पोर्ट में भेजता है। अब ये जो इंटेक पोर्ट है वो सिलेंडर हेड के अंदर में प्लेस्ड होता है। अब अगर ये जो इंटेक गैस्केट है अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा, जो कूलेंट है वो इंटेक पोर्ट और कंबशन चैम्बर के अंदर में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हो तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद धुआं निकलने लगता है। अब फ्रेंड्स ये जो इंटेक गैस्केट के ख़राब होने का जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसे रिमूव करोगे, उसके बाद इंटेक गैस्केट को चेक करोगे, अगर उसमें किसी भी तरह का लीक हो या रस्ट हो तो आप उसे रिपेयर कर दो, अगर रिपेयरिंग के लायक नहीं है तो उसे आप चेंज कर दो, जिससे क्या होगा कि आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुआं निकलना बंद हो जाएगा। अगर आप देखते हो कि इंटेक गैस्केट सही है यानी कि स्टेप वन सही है तभी आप स्टेप टू की तरफ बढ़ोगे। अब स्टेप टू क्या है आइए उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्टेप टू है हेड गैस्केट को चेक करना। इससे पहले आपने इंटेक गैस्केट को चेक किया वो सही निकला तो आप सेकंड स्टेप की तरफ बढ़े। अब जो हेड गैस्केट होता है वो सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच में सीलिंग प्रोवाइड कराता है ताकि जो कूलेंट है वो सिलेंडर के अंदर में नहीं जाए। अब अगर इस हेड गैस्केट में किसी भी तरह कोई लीक हो या डैमेज हो रस्ट हो उससे क्या होगा कि ये जो अपना वर्किंग वो कर नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा जो कूलेंट है वो कंबशन चैम्बर के अंदर में चला जाएगा और कूलेंट जैसे ही कंबशन चैम्बर के अंदर में जाएगा आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे उसे ड्राइव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से सफ़ेद धुआं निकलेगा। तो अगर आप ये पाते हो कि हेड गैस्केट में खराबी है तो फटाफट उसे आप ठीक कर लो। अब तीसरे और आखिरी स्टेप की बात करते हैं। आपने चेक किया इंटेक गैस्केट सही निकला, हेड गैस्केट सही निकला, तो आप फिर चेक करोगे कि
हो सकता है कि सिलेंडर हेड में किसी भी तरह का क्रैक हो सकता है। अब जो सिलेंडर होता हेड होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, तो अगर आपके गाड़ी में ओवर हीटिंग का कंडीशन आए, ओवर हीट हो जाए, ज़्यादा हीट हो जाए, तो इस केस में क्या होता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ सिलेंडर हेड है वो ब्रेक कर जाता है। अभी जो सिलेंडर हेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये इंजन ब्लॉक और हेड गैस्केट को कनेक्ट करता है। तो अगर आप गाड़ी के ओनर हो और आप देख रहे हो कि आपके गाड़ी के सिलेंडर हेड में किसी भी तरह का ब्रोकन हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको हर हाल में गाड़ी के सिलेंडर हेड को चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते। अगर रिपेयर करोगे तो आगे जाके फिर से ये प्रॉब्लम आ जाता है। इस टॉपिक के एंड में कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से सफ़ेद धुएं को अगर आप पहले ही पकड़ लो, तो आप इसे छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं समझो, आप स्टार्टिंग में ही जल्दी से इस प्रॉब्लम को ठीक करा लो, क्योंकि एक तरफ जहां ये आपके गाड़ी से निकलता हुआ सफ़ेद धुआं अगल बगल वाली गाड़ियों को परेशान करता है, उससे ज़्यादा ही आपके गाड़ी के इंजन को ये जो इसके उसके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम साबित होता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को ठीक करा लो, ताकि आपके इंजन का लाइफ बढ़ जाए, आपकी कार का लाइफ बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया था एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम, जो आपको अपने कार के साथ या अगल बगल वालों के कार के साथ ये प्रॉब्लम दिखाई देता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।